आज का टॉप डिफेंस अपडेट, इंडियन एयरफोर्स ने डीआरडीओ को स्विफ्ट यूएवी को एक मिनी यूसीएवी बॉम्बर में बदलने की प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। पहले इसे सिर्फ टेक्नोलॉजी टेस्ट के लिए लिया गया था, अब उसको फुल्ली ऑपरेशनल छोटा बॉम्बर बनाया जाएगा। रशियन एयरफोर्स का सुपरसोनिक स्ट्रेटजिक बॉम्बर TU-22 ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान साइबेरिया में क्रैश हो गया। यह इंसिडेंट एयर सेफ्टी, ऑपरेशनल रेडीनेस और मिलिट्री इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी के इशू को हाईलाइट करता है। इंडियन एयरफोर्स ने 24 MiG-29 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की जरूरत को अर्जेंट तरीके से आइडेंटिफाई किया है, ताकि उनमें हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क टू वेपन फिट किया जा सके। ये वेपन 180 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक टारगेट को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है। इंडियन एयरफोर्स का MRFA प्रोग्राम एक बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल एरोस्पेस कंपनी को स्पेशल एलॉय की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो फाइटर जेट बनाने में एक इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है। इस शॉर्टेज की वजह से मौजूदा फाइटर जेट प्रोग्राम की प्रोडक्शन धीमी हो गई है, जो MRFA टेंडर के टाइमलाइंस को भी प्रभावित कर सकता है। रक्षा मंत्रालय जल्द ही रशिया के साथ 21,000 करोड़ का डील फाइनलाइज करने वाला है, ताकि 230 AL-31 जेट इंजन को लोकली प्रोड्यूस किया जा सके। यह इंजन इंडियन एयरफोर्स के Sukhoi-30 मार्क आई फाइटर जेट के लिए होगा। इस डील के जरिए इंडिया अपने जेट के लिए इंजन की सप्लाई को लोकल प्रोडक्शन के जरिए करेगा। डैडो और L&T ने मिलकर कंपोजिट इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल का इंटरनल ट्रायल्स कंप्लीट कर लिया है, और अब यह व्हीकल यूजर ट्रायल्स के लिए जा रहा है। फिलहाल इसका वजन 15 टन है, लेकिन डीआरडीओ का एक्सपेक्टेशन है कि 80 जीएम और 30 एमएम गन के साथ इसका वजन 15 टन तक बढ़ जाएगा। इंडियन आर्मी ने 155 mm 52 कैलिबर के 400 टाउट गन सिस्टम खरीदने के लिए 6500 करोड़ का टेंडर इशू किया है, और ये टेंडर L&T, भारत फोर्ज, OFB और अडानी डिफेंस को भेजा गया है। पहले भी 307 ATAGS के लिए एक टेंडर इशू किया गया था, और उसका ऑर्डर भी गवर्नमेंट के अप्रूवल का वेट कर रहा है। पाकिस्तान ने अपनी सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए रशिया से सुपर कैम ड्रोन खरीदी है। सुपर कैम S-350 रशिया के फ्लैगशिप अनमेंडेड एयरक्राफ्ट सिस्टम में से एक है, जो एरियल फोटोग्राफी, वीडियो मॉनिटरिंग और कई दूसरी क्रिटिकल मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। रशिया के यांतार शिपयार्ड ने INS तमाला, जो एक तलवार क्लास फ्रिगेट है, इसका सी ट्रायल शुरू कर दिया है। ये फ्रिगेट प्रोजेक्ट 11356 के तहत बनाई जा रही है। सी ट्रायल्स में शिप की परफॉर्मेंस और वेरियस सिस्टम का टेस्ट किया जाता है, जो शिप के फाइनल डिलीवरी के लिए जरूरी होता है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।